हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। जो भी स्टूडेंट एमडीयू से अफिलेटेड किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में बीएड और एमएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दोबारा से जारी की गई है। चलिए देखते हैं कहाँ से आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के सेक्शन में हम आ चुके हैं। आज दोबारा से लिस्ट जारी की गई है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ बीएड प्रोग्राम 2023। आज ये लिस्ट आई है। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ एमएड प्रोग्राम 2023। आज दोनों कोर्सेज की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है। कल ये लिस्ट एक साथ में आई थी, आज दोबारा से लिस्ट जारी की गई है अलग अलग। दोनों ही लिस्ट को डाउनलोड करके चेक करते हैं क्या कुछ चेंज किया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया है। एमडीयू की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिन भी स्टूडेंट ने बीएड के प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आप सभी स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जिन भी स्टूडेंट ने बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन का एडमिशन का फॉर्म फिल कर रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर प्राइवेट कॉलेज का, आप सभी स्टूडेंट का इस एडमिशन जो प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है इसमें नाम आता है। आप इसको एडमिशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आपका इस लिस्ट में नाम आपको चेक करना है, क्या मिस्टेक है, क्या एरर है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेल करना। आप देख भी सकते हैं नोट में लिखा है स्पेशली द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द मेरिट लिस्ट केयरफुली। आपको मेरिट लिस्ट को केयरफुली देखना है, ध्यान से आपको देखना है, एंड रिपोर्ट इफ़ देयर इज एनी एरर, कोई भी एरर है, डिस्क्रिपेंसी इन पर्सन और ऑन द ईमेल, आपको इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना है bedmed.forumcorrection@mdu.ac अप टू 26/8/2023 26 अगस्त तक आपको ईमेल करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी एरर है, एलिजिबिलिटी हैज नॉट बीन चेक्ड, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइड प्रोग्राम ग्रुप, उसके बाद है कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर दो, क्वालिफिकेशन नेम और मेरिट स्कोर। यहाँ पर आपको चेक करना है आपके नेम में मिस्टेक तो नहीं है, फादर नेम में कहीं मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, कहीं आपने दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई किया हो यहाँ पर और कोई कोर्स आ रहा हो, कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं, कहीं आपकी कैटेगरी यहाँ पर और कोई दिखा रहा हो, कोई मिस्टेक हो गई हो फॉर्म में फिल करते टाइम, तो आपको ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पर 26 अगस्त तक है। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, किस क्वालिफिकेशन पर आपने बीएड और एमएड का फॉर्म फिल किया है। इस लिस्ट में बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट अपना नाम चेक कर सकते हैं। 214 पेज की लिस्ट रहेगी। बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं आपकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है सबसे लास्ट में आपको जाना है, यहाँ पर आपका नाम मिल जाएगा। और जिन स्टूडेंट के नाम में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रेड कॉलम है, तो इन स्टूडेंट के जो एडमिशन फॉर्म में मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन की यहाँ पर मिस्टेक मिलेगी या फिर आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स मिलेंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर रेड आ रहा है, आपको ईमेल करना है, वहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर कोई और मिस्टेक है तो आप ईमेल करके चेक करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रेड लाइन आ रखी है। जो सारे जो कॉलम है रेड हो चुके हैं, किस वजह से हुए हैं, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, या तो आप बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 50% नंबर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर किसी स्टूडेंट के 47.50% या फिर 50 से 1 पॉइंट भी कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं है। अगर और कोई मिस्टेक है, कोई भी एरर है, तो आप ईमेल करके अपनी जो एरर है उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के कॉलम रेड है वो सभी स्टूडेंट ईमेल ज़रूर करें।
अब मैं दूसरी लिस्ट को भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, एमएड के जो स्टूडेंट हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरी लिस्ट को भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। एमडीयू की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, जिन भी स्टूडेंट ने एमएड या फिर एमएड स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अगर आपके भी फॉर्म में कोई एरर है तो आपको इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना है 26 अगस्त तक। यहाँ पर आप अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, कैटेगरी देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एमएड के जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग से लिस्ट है, 8 पेज की लिस्ट रहेगी। और जिन स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, जिनके कॉलम रेड है, उन सभी स्टूडेंट को ईमेल करना है, क्योंकि आपके फॉर्म में कोई एरर है। जैसे यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन का सेक्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर नुल लिखा रहा है, मतलब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक आपने, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस कोर्स के लिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, आपने आधे डॉक्यूमेंट अपलोड की है, कोई भी एरर हो सकता है। आप ईमेल कर सकते हैं, 26 अगस्त तक आपके पास टाइम है। एमएड और एमएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट है इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग से लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट दोबारा से अपडेट हुई है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अभी नहीं आई है, ये सारी एरर ठीक होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 29 तारीख को, वो आपको चेक करनी है, उसमें भी आपका नाम आना जरूरी है। ये जो लिस्ट है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इस लिस्ट में सभी का नाम आता है। अगर कोई भी एरर है, ये एरर ठीक करने के बाद जो फाइनल जो लिस्ट आएगी उसे फाइनल मेरिट लिस्ट कहेंगे, उसमें भी सभी स्टूडेंट का नाम आएगा जिन्होंने भी एडमिशन फॉर्म फिल कर रखा है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। इसके अलावा एडमिशन के रिगार्डिंग, लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।